तो दोस्तों आज मैं कुछ इस तरीके के स्टेटस वीडियो को बना के दिखाऊंगा जो कि बहुत ही शानदार होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको इस वीडियो के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेना है। ओके गाइस, उसके बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और 16:9 रेशियो को ले लेना है और क्रिएट कर देना है। इसके बाद मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ PNGs और वीडियोज का लिंक दूंगा, सिंपली आपको जाना है उनको डाउनलोड करके यहाँ पर लेके आना है। तो मैं पहले वीडियो को लेके आता हूँ। तो गाइज ये मेरा पहला वीडियो है, कुछ इस तरीके से ये बैकग्राउंड वीडियो है। इसे सिंपली इस पर क्लिक करना है और एकदम दाहिनी तरफ नीचे जाना है, आपको विग्निटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना और ये इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद हमें एक और वीडियो को यहाँ पर लेके आना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा वो वीडियो है, देखिए गर्व से कहो हम भारतीय, ये वाला है। इसे दाहिनी तरफ जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखे इस पर क्लिक करना है, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी इसे स्क्रीन कर देना है और इसे इस साइड में एकदम कॉर्नर पे ऊपर में यहाँ पे रख देना है, ऊपर में इस तरीके से रख देना है। देखिए कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद दोस्तों आप जो फ़ोटो लगाना चाहते हैं आप अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं या फिर दूसरे किसी का फ़ोटो लगा सकते हैं। तो मैंने एक सेलिब्रिटी का फ़ोटो लगाया है तो मैं उसको यहाँ पे लेके आता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके का फ़ोटो है, इसे मैं इस कॉर्नर में बाईं साइड में लेके आता हूँ और थोड़ा इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस तरीके से और इसे यहाँ पे मैं इस प्रकार से रख देता हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार से रख देता हूँ, इस तरीके से रख देता हूँ और इसे वीडियो के अनुसार खींच के बड़ा कर देता हूँ। कुछ इस प्रकार से बड़ा कर देना है हमें। इसके बाद इस फ़ोटो पर क्लिक करना है और इन एनिमेशन में जाना है और एकदम नीचे जाना है और आपको पॉपअप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा और इसकी स्पीड को 1.5 कर देना है, कुछ इस प्रकार से रहेगा। इसके बाद एक और वीडियो को यहाँ पे लेके आना है। इससे पहले ये जो गर्व से कहो हम भारतीय हैं, इस पर क्लिक करना और इसे इन एनिमेशन में जाना और इसे फेड कर देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद एक और PNG को यहाँ पर लेके आना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस PNG को लेके आना है। तो ये भगत सिंह वाले PNG को यहाँ पे लेके आना है फ़ोटो को और इस पर क्लिक करना है, इस तरीके से खींच के बाद थोड़ा बड़ा कर देना है और फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है और दाहिनी तरफ आपको जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन देखिए इस पर क्लिक करना है, इसे मल्टीप्लाई कर देना है कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसे वीडियो के अनुसार खींच के बड़ा कर देना है, इसे वीडियो के अनुसार खींच के इस तरीके से बड़ा कर देना है। इसके बाद ये देखिए क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा दाहिनी तरफ, इस पर क्लिक करना है और ये लिखा हुआ आप रख भी सकते हैं, मैं नहीं रख रहा हूँ, मैं इस तरीके से करूँगा और फिर इस पर क्लिक करूँगा, फिर से क्रॉपिंग में जाऊँगा और ये जो मास्क है इसे एनेबल कर देना है और इसके फेदर को इस तरीके से बढ़ा देना है और इसके बाद इसे थोड़ा घींच कर बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से, पूरा इस तरीके से मिडिल में रख देना है, इस प्रकार से रहेगा जो देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद इसमें एनिमेशन कर देना, इन एनिमेशन में जाना है दाहिनी तरफ, इस पर क्लिक करना है और इसे फेड कर देना है तो कुछ इस तरीके से रहेगा, इस प्रकार से हमारा ये रहेगा। इसके बाद इसमें एक और वीडियो को ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस वीडियो को यहाँ पे लेके आना है। तो ये हमारा 15 अगस्त वाला टेक्स्ट है, इसे दाहिनी तरफ जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, देखिए कुछ इस तरीके से, और इस पर क्लिक करना है, थोड़ा इसे हमें एडजस्ट कर लेना है कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये रहेगा। इसके बाद दोस्तों इसमें एनिमेशन कर लेना है, इस टेक्स्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना है और इन एनिमेशन में जाना है और स्लाइड अप, ये नीचे से ऊपर आता हुआ इस तरीके से रहेगा। अब दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा डीप हमें करना है, इस टेक्स्ट को थोड़ा डीप करना है, इसके लिए इस पर क्लिक करना है टेक्स्ट वाले लेयर पर और देखिए बहुत मतलब ज़्यादा डीप नहीं है, इसको डीप करना है, इसके लिए इस पर क्लिक करना है टेक्स्ट वाले लेयर पे और बाईं तरफ 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है, देखिए डीप हो रहा है, और एक डुप्लीकेट कर लेंगे हम तो ये डीप हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके से ये डीप हो जाएगा जो देखने में अच्छा लगेगा। तो इसके बाद एक और वीडियो को हमें ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है, उस वीडियो को ऐड कर देना है। तो ये हमारा फ्लैग वाला वीडियो है, इसके बाद आपको दाहिनी तरफ जाना है, आपको क्रोमा की का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे एनेबल कर देना है। देखिए सर्कल में ग्रीन कलर है तो ग्रीन रहने देंगे क्योंकि ये हमारा ग्रीन कलर का ही है।
इसके बाद दोस्तों फिर से बाहर क्लिक करेंगे और फिर से फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, फ्लैग वाले फ़ोटो पे, और दाहिनी तरफ जाना है हमें। देखिए रोटेट और मिररिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसे ये ट्राइंगल जो दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है, तो ये इस साइड में घूम जाएगा। और उसके बाद हमें इस पर फिर से क्लिक करना है और इसे एकदम साइड में रख देना है, कुछ इस तरीके से साइड में रख देना है इस प्रकार से, और इसमें एनिमेशन कर देना है, इस पर क्लिक करना है, इन एनिमेशन में जाना है और स्लाइड अप, सॉरी इसे हमें करना है स्लाइड डाउन, कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके 1.5 कर देना है, स्पीड 1.5 कर देना है। तो मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देखिए कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके साउंड का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, तो मेक श्योर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, मैं उसमें अलग अलग तरीके का मटेरियल प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी कंप्लेन या कुछ भी हो उसमें आप बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो इसे सेव और शेयर करने के लिए देखिए ऊपर एरो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल के रेजोल्यूशन को चुन के सिंपली इसे सेव कर देना है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बड़े आसानी से इस प्रकार के स्टेटस वीडियो को बना सकते हैं और 15 अगस्त पे किसी को भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार दोस्तों।